तो प्यार भरी नमस्कार रूपा धर्म फैमिली नमस्कार ब्लॉग्स में। दोस्तों। और दोस्तों आज कुछ नया रेसिपी तैयार करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, आलू छील करके रेडी हो गया है, इसको हमने उबाला और अभी है। कुछ बाकी है। और ये देखिए दोस्तों, प्याज का पत्ता है और गोभी है और हरा मिर्च कटा हुआ है। आलू को हम छील लेंगे तो दोस्तों ये दो देखिए, चार आलू रख दी है, बस दो तीन आलू रख दे और सब दाल और चावल पीस रही हैं रूपा जी। और अपना वो देखिए दोस्तों, पीस भी चुकी हैं और ये मसाला पीस के रेडी हो गया है। ये है जीरा हींग, जीरा हींग और क्या है, हल्दी है, हल्दी है, मिर्चा है, लहसुन है, पीसा गया दोस्तों। दोस्तों हम बेसन से नहीं, दाल चावल भिगा के बेसन बनाते। दाल चावल शाम को भिगा दिया जाता है, फिर बनाया जाता है दोस्तों। इसको हम बनाएंगे आलू का टिक्की। ये देखिए दोस्तों, पीस करके कंप्लीट हो गया है, अभी थोड़ा और बाकी है। इसमें चावल और दाल दोनों मिक्स है, तो चावल कम है, चावल ज़्यादा है, नहीं दाल पिसाएगा पहले ना। ये नीचे था, ये नीचे था दोस्तों, चावल और दाल पहले पीस लिए हैं। इसे कुरकुरापन रहता है, इससे कुरकुरापन बढ़िया रहता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए पीस करके कंप्लीट हो गया है। ये देखिए दोस्तों, पीस के कंप्लीट हो चुका है। इसी छोटी कढ़ाई में बनाएंगे क्या? ऊंची कढ़ाई। ये देखिए दोस्तों, आलू तोड़ रही हैं और तोड़ चुके थे आलू पहले ही। इसमें प्याज डाल रही हैं और ये मिर्चा, और मिलाएंगे इसको बढ़िया से। ये देखिए दोस्तों, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हैं। ये क्या है, हल्दी? दोस्तों हल्दी डाल रहे हैं। ऐसे मिला लेना है। अब दोस्तों इसमें मसाला मिला रही हैं।
देखिए दोस्तों ऐसे गोल कर लेना है, गोल कर करके ये दोस्तों बनेगा आलू चाप। ये देखिए दोस्तों कंप्लीट होने वाला है, एक थाली बना के चिपटा करके आलू को ऐसे गोल गोल करके बढ़िया से चिपटा कर। ये देखिए दोस्तों नमक मिला रही हैं, मसाला ये देखिए दोस्तों मसाला डाल चुकी हैं, मिला रही हैं। इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे, ये देखिए दोस्तों मिला के रेडी हो गया है। बोलिए मिला के रेडी हो गया? हाँ। ये देखिए दोस्त तेल डाले जा रहे हैं, तेल डाल रहे हैं कढ़ाई में, ये देखिए दोस्तों अब तला जा रहा है आलू की टिक्की। ये देखिए दोस्तों निकलने वाला है,
हाँ ठीक है। ये देखिए दोस्तों गरम गरम पकौड़ा तैयार हो गया आलू का। ये गांव देहात का बिल्कुल देसी रेसिपी है दोस्तों, देसी तरीके से बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों दो घान निकल चुका है, तो एक घान देखिए, देखिए गोभी की पकौड़ी बनाने जा रही हैं। एकदम स्लो करके पकाइएगा तो भी पकेगा, स्लो करके दोस्त पकाएंगे तब पक जाएगा बढ़िया से गोभी। गोभी की पकौड़ी हमारी कंप्लीट होने वाली है। अब आंच तेज कर दीजिए थोड़ा। ये दोस्तों गोभी की पकौड़ी है। ये देखिए दोस्तों गोभी की पकौड़ी रेडी हो चुकी है। ये देखिए रूपा जी निकाल चुके हैं। आप रूपा जी निकाल चुके हैं ना? हाँ। लीजिए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए मेरे पकौड़े थे। गोभी का पकौड़ी है और किस चीज की पकौड़ी बनाई है? गोभी के पकौड़ी है, आलू के पकौड़ी, आलू की टिक्की है। हाँ। सही से दिखाइए ना। ये देखिए दोस्तों बन गया है, ये आलू की टिक्की है और ये दोस्तों गोभी पकौड़ी है। आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। और बहुत दोस्तों मेहनत लगता है, कमेंट करके और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों हमारे रूपा धर्म फैमिली व्लॉग्स में। आप लोगों का प्यार दुलार चाहिए दोस्तों।
पकौड़ी खा रहे हैं दोस्तों, और आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। देखो गोलू बाबू भी खा रहे हैं। और कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, प्लीज़।